तो अभी सर्विस सेंटर आया था मैं, KTM सर्विस सेंटर धापा। मेरा फर्स्ट सर्विसिंग हुआ इसका, बाइक का। तो यहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ वीडियो नहीं कर पाया। पर बाहर निकल के थोड़ा राइड लेके उसके बाद आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बताएंगे कि कितना अमाउंट हुआ है और किस किस पे प्राइस हुआ है और क्या किया है इसमें। ठीक है, चलिए, यह सर्विस सेंटर थापा। चलो भाई, थैंक यू। चलो, बहुत सारा बाइक है यहाँ पे KTM का। मैं सुबह 10:30 बजे आया था, अरे मास्क की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेरा अभी सब कुछ हो गया, अभी टाइम है 1:10, अभी निकल रहा हूँ मैं। ठीक ठाक सर्विस बहुत फास्ट हुआ है और फर्स्ट सर्विसिंग, ज़्यादा कुछ काम नहीं है, जितना किया है उतना आप लोगों को बता देंगे क्या क्या किया है इसमें। और बाइक पहले से कितना स्मूथ हुआ है। कहाँ से आया था मैं, इस तरफ। तो JW मेरेड के पास से जो रास्ता लेफ्ट जा रहा है, उस रास्ते पे सीधा आना है और आगे जो ऑटो स्टैंड है यहाँ का शियाला का, उसके बाजू में KTM सर्विस सेंटर है। प्रथम बार जो इसम तो वही पर ढूंढे गए छिलाम वही पर तक जिखने मयला फेले तो यूटर्न में एदि के चले फोन करे। तो ব্যাপারটা হলো বেসিক আপনার কিছু কস্ট কাটবেই, যেগুলো ইঞ্জিন অয়েল বা। তো কিছুটা গিয়ে এগিয়ে গিয়ে আপনাদের এক জায়গায় থেমে দেখাচ্ছি। ভেতরে আমি চেষ্টা করেছিলাম ভিডিও তোলার, কিন্তু ওনারা বললেন যে এখানে তোলা যাবে না। না, ওকে, নো প্রবলেম। অ্যান্ড ভালো হলো কিছু সাবস্ক্রাইবারের সাথে মিট হলো, এসে মিট করতে রইয়ে বহুত আচ্ছা লাগতা হয়, প্যার বাঁটনে সে বাড়তা হয়। तो जैसे ही मैंने चालू किया आफ्टर मोबाइल चेंजिंग सब कुछ, मैंने ट्रिप मीटर को ज़ीरो कर दिया। मैं डिवाइड कर लेता हूँ, ट्रिप वन मतलब फुल टैंक के बाद ट्रिप वन को ज़ीरो कर देता हूँ और ट्रिप टू को मोबाइल चेंज के बाद ज़ीरो कर देता हूँ। तो हिसाब का कोई गड़बड़ी नहीं होता, कब का चेंज करना है क्या नहीं करना है। ट्रेडर इनवॉइस देखते बच्चन अपना टोटल ब्रेकअप टा हमारा चेंज हो इंजन ऑयल रिंगो ऑयल फिल्टर मोट्यूल चेन। तो टोटल कॉस्ट हमारे लेगे अराउंड 1761। तो ठीक ठाक एवं तरह एक चेन लूप दिए। तो ये चेन लूपटा C2। सो दिस इज द करंट सिनेरियो ऑफ माई बाइक। पूरा नया टाइप का दिख रहा है, एकदम नया है, रेदर एकदम साफ कर दिया, चेन लूपिंग हुआ है। और शाड़ी गार्ड मैंने नहीं खोला, अभी सेकंड सर्विसिंग में खोल दूंगा। और बाकी झक्का से एकदम मज़े करो और क्या। तो मैंने बात किया उन लोगों से अबाउट दिस, यहाँ पे जो मडगार्ड मेरे इंजन गार्ड में घुस जा रहा था। तो कथा बोल लाम एटार जो हमें एखन आप तो खुले रेखे मडगार्डटा। तो বললো এটা কিছু কিছু বাইকে হচ্ছে, সব বাইকে হচ্ছে না। তো এটার জন্য এটা আলাদা করে আমাকে নিয়ে আসতে হবে, আজকে নিয়ে আসতে জাস্ট ভুলে গেছি তাড়াহুড়ো। তো এটা আমাকে নিয়ে আসতে হবে, ওরা জাস্ট কিছুটা ট্রিম করে দেবে। আমি জানি না কেন বললো কিছু কিছু বাইকেই হয়েছে এবং ফ্যাক্টরি ডিফেক্ট সেই বাইকগুলো। তো শুধু ওই জায়গাটা হালকা 1/2 ইঞ্চি মতন ট্রিম করে দেবে। তো নেক্সট দিন আমি সেটা নিয়ে আসবো, নেক্সট দিন শাড়িগারটা খুলে নেবো। আর KTM কেয়ার অ্যাপটা এটার সাথে কানেক্ট হচ্ছে না, সেটা নিয়ে কালকে নেক্সট দিন আমি কথা বলবো, সেটা দেখি কী হয় কি না হয়, ওটা সম্বন্ধে আইডিয়া আমার নেই সেরকম। তারপর তো এখান থেকে বেরোবো, বাড়ির দিকে যাব, তারপর প্ল্যান আছে বেরোতে হবে। এখনও পর্যন্ত বাইকের ফিডব্যাক খুবই ভালো, কোনো প্রবলেম নেই আমার। আই হ্যাভ টু গো রাইট JW মেরিয়ট। আর যেটা বলার, সিট হাইট নামবে না, এটাই ঠিক আছে। সিট হাইট নামানো যাবে না আলাদা করে, সার্ভিস সেন্টারে বললো, আর আমার জন্য এটাই ঠিক আছে, হ্যাবিচুয়েট হয়ে গেছি এবং খুবই ভালো। তো ব্লগটা আমি এখানে এন্ড করবো, খুবই শর্টে সব ডিটেলস আমি বলেছি, কেমন লাগলে জানাবেন।
ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, কমেন্ট করুন, শেয়ার করুন, আর কিপ ওয়াচিং মাই ইউটিউব চ্যানেল এডি ভ্লগস। এখানে ভালোবাসা আছে বাইকের প্রতি, টুরিংয়ের মজা আছে, রাইডের মজা আছে। সো থ্যাংক ইউ ফর মেকিং পার্ট অফ ইউর ডে, সি ইউ সুন অন নেক্সট ব্লগ, টিল দেন গুড বাই, বাই।